हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। इस बार के वीडियो में जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा और जिसके ऊपर हम पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे, वो होगा इस साल का बजट, जो कि वित्त मंत्री ने 1 तारीख यानी 1 फरवरी 2018 को संसद में पेश किए। तो आइए समझते हैं उसकी मुख्य प्रावधान क्या है, मुख्य बातें क्या है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। शुरुआत करते हैं कृषि क्षेत्र से। किसानों की दुर्दशा को देखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब उन्हें जो MSP मिलेगी उन्हें 1.5 गुना कर दिया जाए, यानी कि अब इस साल यानी इस फिनेंशियल ईयर से 2018 से उनका अगर मार्केट प्राइस से उनकी प्राइस कम हो जाती है उनके फसलों की प्राइस, तो सरकार उन्हें 1.5 गुने ज्यादा दाम पे खरीदेगी। दूसरी चीजें इसमें क्या की गई है, दूसरी चीजें भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि और भी तरह के यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए उसने फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की घोषणा की है। ये इसके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस बनाया है। तो आइए समझते हैं कि अब दूसरा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए हैं, तो वो है एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे क्या सरकार ने ये कहा है कि हर उस ब्लॉक में जहाँ पे ST की पॉपुलेशन यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा होगी या कम से कम 20,000 लोग वहां रह रहे होंगे, तो वैसे हर ब्लॉक में एकलव्य स्कूल को स्थापित किया जाएगा। एकलव्य स्कूल एक मॉडल स्कूल होगा नवोदय स्कूल के तर्ज पे, जहां पे न सिर्फ शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाएगा बल्कि उस जगह के जो उन ट्राइब्स के जो अपनी कला है जो कल्चर है उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए ताकि उनसे आगे में भी बच्चे उन्हें सीख सके, वैसी भी शिक्षाएं वहां दी जाएगी। तो आइए समझते हैं कि इस बार के बजट में कुछ ऐसे क्या योजनाएं शुरू की गई जो कि महिलाओं के लिए गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है और जो हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए, तो वो समझते हैं। तो देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण योजना क्या है। पहला है किफायती आवास योजना। इसके तहत भारत सरकार ने ये कहा है कि 2022 तक हर गरीब आदमी को या यूं कहे हर गरीब परिवार को उनका अपना घर मुहैया कराना। इसके लिए उन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक को एक संस्थागत रूप दिया है जहां से सारे फंड रिलीज किए जाएंगे। अन्य जो एक महत्वपूर्ण योजना है वो है गोवर्धन योजना। इसके तहत भारत सरकार गांवों में रोजगार को बढ़ावा देगी। कैसे देगी कि गोबरों से तैयार बायोगैस बायो CNG कैसे बनाया जाए और कैसे उन्हें मार्केट में सेल किया जाए, ये सारी चीजों की व्यवस्था करेगी सरकार। इन सारी योजनाओं के अलावा एक योजना जिसने अखबारों की सुर्खियां बटोरी है वो है आयुष्मान भारत योजना। इसे विश्व में सबसे बड़ी हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के रूप में देखा जा रहा है। US में इसे ओबामा केयर के रूप में जाना जाता है। भारत में अगर इसे एग्जीक्यूट किया गया तो कुछ लोग तो अब इसे मोदी केयर कहते हैं, यानी कि ये एक पूरे भारत में गरीब लोगों को यानी कि 10 करोड़ फैमिली को प्रोटेक्शन यानी कि मेडिकल प्रोटेक्शन देने की बात कही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 50 करोड़ लोग इस योजना से जुड़ेंगे जो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं। तो हमने देखा कि इस बजट में कुछ सेक्टर्स के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, कुछ क्या नए स्कीम्स निकाले गए। इसके अलावा भी इस बजट में भारत सरकार ने बहुत सारे नए प्रावधान निकाले हैं, बहुत सारे और भी स्कीम्स निकाले हैं जो आपके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने उन्हें अपने वेबसाइट jagranjosh.com/current affairs पे बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में लिखा है, जिसे आप जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें।